दिल्ली तक बिल्कुल होश नहीं रहा, बेहोश हो गया था मैं, बेहोश। सो अपना दिल्ली वास्ते निकल चुके हैं। हमने सोचा था कि ना हम अमृतसर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, बारिश मिलेगी हमें रास्ते में, मौसम बढ़िया मिलेगा, बट मौसम हमें बढ़िया मिला नहीं, मौसम तो बहुत गर्म हो रखा है, बारिश की हमें एक बूंद भी नहीं मिली। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को लस्सी लुस्सी पी के हाइड्रेटेड रहें। मेरा जी कर रहा है क्योंकि ना पंजाब के रास्ते पर आना, तो बीच में बड़े आपको गन्ने के जूस वाले, ऑरेंज के जूस वाले बड़े मिल जाएंगे। तो ऑरेंज नहीं होता है, मौसमी जो आप समझ गए ना, आप फीलिंग समझा करो, बस इसकी बातें मत समझा करो आप। तो अभी बीच में मौसमी का जूस पियेंगे, बड़ा टाइम हो गया से ना रोड साइड मौसमी जूस पियो। बाकी बापू साडा सो गया, माँ साडी जाग रही है, पापा सो जाते हैं हमारे, जब से हमने गाड़ी चलानी सीखी है ना तो अभी जो बैठते हैं सो जाते हैं। भाई हमने लिए हैं 2 इत्र, बहुत बढ़िया बढ़िया इत्र लिए हैं। एक जो इत्र की स्मेल है, फ्रेग्रेंस, सॉरी स्मेल नहीं कहते, फ्रेग्रेंस कहते हैं। तो उन्होंने बताया था कि जब बाबा नानक जी उत्थे गए थे, मक्का गए थे, तो वहाँ पे कुछ छिड़का छुड़का गया था, है ना, तो समथिंग उससे रिलेटेड था सुनाई। वहाँ पे ज़्यादा दिया नहीं क्योंकि वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बातें उड़ती, तो वहाँ पे स्पीकर स्पूकर बहुत बड़े बड़े लगे थे, तो हमें सुनाई नहीं देता। तो एक उसकी खुशबू बहुत अच्छी, और एक दूसरा हमने दुबई वाला लिया। एक दूसरा हमने दुबई, जो दुबई में फ्रेग्रेंस आती है वो वाला लिया है। और अगर आपको भी लेना ना इतर भाई, 100 रुपए के मिलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हेरिटेज बिल्डिंग्स है ना, हेरिटेज बना हुआ है, मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल सामने, मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल सामने, मैकडॉनल्ड्स आगे काफी, पार्किंग से निकलते ही राइट साइड से जो पहले दुकान है उसी के बाहर बैठे। हाँ मतलब बहुत प्यारे देते हैं, आपको वैसे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, उनकी शक्ल हमने दिखाई होगी ब्लॉग में। हम कर रहे हैं देसी जुगाड़ भाई, जब से हमने गाड़ी लिया ना तो हमने वो ब्लैक वाले, वो नहीं आते जो शीशे पे लग जाते हैं, वो हमने लिए नहीं है, वाइजर्स कह लो जो मर्जी कह लो। तो धूप बहुत ज़्यादा, और एक और आया पीछे से सन शेड है ना, तो हमने वो हमारे पास थे नहीं, तो हम लगा रहे हैं साइड में न्यूज़पेपर। आपने कभी किया हो ना अपनी गाड़ी में ऐसे न्यूज़पेपर लगाए हो तो बताना जरूर, किया ही होगा, देसी हो तुम भी सारे, पता मेरे को। तो भाई अभी हम पहुँच गए हैं जलंधर, है ना, मैं आपको ना जलंधर की एक स्टोरी बताता हूँ, मेरे को याद आ गई कि ना जब हम छोटे होते थे क्रिकेट खेलते थे ना बहुत, तो क्रिकेट के जो बैट होते हैं वो 2 जगह बढ़िया मिलते हैं, जो पंजाब के साइड के होते हैं ना बंदे, बच्ची के वहाँ से ली थी, बच्ची के वहाँ से ली थी, बच्ची की तब तो थी भी नहीं, हमने ली थी लार्सन्स के बैट, RNS, है ना। तो जो पंजाब साइड के होते हैं वो जलंधर से बैट बनवाते हैं, और जो दिल्ली साइड होते हैं मेरठ से बनवाते हैं। तो हम पंजाब आए थे स्पेशली, तो हमने शौक था कि यार वो बहुत फेमस होता है जलंधर में ना बैट बूट जो बनते हैं, RNS की कंपनी है, लार्सन्स करके है भाई साहब, उसके बैट इतने तगड़े होते ना, इतने तगड़े छक्के लगते थे, छक्के लगते थे, है ना। तो स्पेशली हम वहाँ पे गए थे जलंधर, उनकी दुकान बंद थी उस दिन, स्पेशली हमने दुकान खुलवाई और उनसे 2 बैट लिए भाई साहब, मज़ा आ गया था। और ये बात भी है कि दिल्ली में अगर आप लो ना तो वो महंगे मिलते हैं, और यहाँ पे आके अगर आप सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री से लो ना, एक तो प्यारे प्यारे इतने प्यारे होते हैं, और दूसरा सस्ते बहुत मिलते हैं भाई। हम आ गए अम्बाला, पता हमने कितने घंटों में गाड़ी लगा दी अमृतसर से, 3.5 घंटों में भाई साहब, हैवी ड्राइवर हो रहे हैं गगन, बहुत बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर। तो पापा को ना वो गोलगप्पे खाने का बड़ा अच्छा है, तो हम तो वैसे कह रहे थे सीधा ही चलते हैं, टाइम से दिल्ली पहुंच जाएंगे, पर पापा नो, गोलगप्पे खाने पूरे रास्ते सोते आए हैं, यहाँ पहुँच के ये गोलगप्पे खाऊंगा मैं, गोलगप्पे, चलो ठीक है यार खा लो। गगन ने क्या खाना है, गगन कह रहा है बकेट लेंगे हम KFC की, मुर्गे के बिना हमसे रुका नहीं जाता, हमारे अंदर का मुर्गा वाजे मार रहा है, कुकड़ू कुकड़ू कर रहा है। आ जाओ यार लिपा पोती बाद में कर लेना, वो ही कर रहे थे आप पागल, मैं शीशा आराम से, हेलो महंगी गाड़ी नहीं है, महंगी गाड़ी के मार रहे हो मम्मी आप, XUV है वो, जिम में पड़ जाना है, गगन साफ कर दे भाई उसकी, अपनी अपनी साफ होनी चाहिए। भाई पापा से ना आपने किसी चीज़ के रिव्यू लेना ना तो लोग गोलगप्पे का रिव्यू, वो तो कहते हैं ना कि मैंने घाट घाट का पानी पिया, पापा ने घाट घाट के गोलगप्पे खाए हैं। भाई गोलगप्पे मुझे पसंद नहीं आए, पापा को पसंद नहीं आए, खड़े हुए बंदे सुन रहे हैं सामने, तेले के गोलगप्पे नहीं है वो जमा पसंद नहीं आए, है ना। सबसे बढ़िया कहाँ के लगते हैं आपको, पानी जमा पसंद नहीं आया, सबसे बढ़िया फ्लेवर इतना तेज मारा हुआ है, सबसे बढ़िया बता दो यार आप कौन सा ठीक, वो पानी पानीपत वाले के बहुत अच्छे, आपको ना पानीपत के बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार गाड़ी खोलना,
मैं अपने कैमरे का ढक्कन ही ढूंढ लूँ भाई, ढक्कन ही नहीं मिल रहा। कैमरा तेरे ढक्कन कहीं मम्मी के उसमें ना हो, पर्स में कैमरा तेरे उसमें रखा था। जब से कैमरा आया ना, मैं इसका कैप कितनी बार घुमा बैठा हूँ, पर मिल जाता है हर बार। आज भी गुम हो गया, पता नहीं अब मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे साथ बड़ी बार होता है मैं इसका कैप नहीं संभाल पाता। कैमरा भी संभाल लेता हूँ, कैप नहीं संभाल पाता। भाई ये बंदा इतना कमीना ना, इतना कमीना। एक घंटा हो गया, एक घंटा इसको बोले जा रहा हूँ कि गगन पानी की दुकान आएगी, पानी ले ले। गाड़ी नहीं रोक रहा भाई, गाड़ी नहीं रोक रहा, और कह रहा कोई दुकान ही नहीं। मतलब वहाँ से अमृतसर से लेके लुधियाना तक लोग प्यासे मरते हैं, पानी नहीं पीते हैं। गाड़ी मेरे को नीचे लेनी पड़ेगी, गाड़ी नीचे लेनी है। अब तू ले ले यार, प्यास लग रही है। एक तो मेरा कैमरे का ढक्कन खो गया, मेरे को उसका बड़ा दुख हो रहा है, कैमरे का ढक्कन खो गया। दिक्कत होती है यार, तुम समझा करो भाई, तुम्हें क्या पता है ये दिक्कत। इतना दुख होता है जब कैमरा ढक्कन खो जाता है, बहुत दुख होता है भाई। सो फाइनली आप आ गए हैं दिल्ली वापसी अमृतसर, तो है ना। मैं उस दिन व्लॉग को एंड करना भूल गया था, क्योंकि भाई घर हम आए रात को 1:30 बजे, और नींद इतनी आ रही थी ना, नींद इतनी आ रही थी। केसर के अड्डा, किसी ने सच्ची बिल्कुल सही कहा कि केसर के ढाबे का आप जब खा लो ना एक बार, तो इतना तगड़ा नशा चढ़ जाता है कि सच्ची आपको दिल्ली तक होश नहीं आता। ये मैंने फेस किया है भाई, जब दिल्ली तक बिल्कुल होश नहीं रहा, बेहोश हो गया था मैं, बेहोश भाई। चक्कर चुक्कर तो नहीं आते, चक्कर क्यों आने, रोटी खा के बेहोश। बस समझ जाओ आप कि हालात इतने टाइट हो जाते हैं ना, कि भाई इतना सरूर चढ़ जाता है नींद का, इतना सरूर चढ़ जाता है कि बंदा सच्ची बेहोश हो जाता है। तो दिल्ली आके भी नींद नहीं खुली, मैं आके एकदम सो गया, और बाकी जो मेरे कैमरे का ढक्कन खोया था वो खुदा ने कैमरे का ढक्कन मेरे को दिला दिया। जो मेरा दूसरा पजामा था उसमें मेरे को ढक्कन मिल गया, तो वो सुखी है कि ढक्कन मिल गया, तो बड़ी टेंशन हो जाती ढक्कन खो जाता है। बाकी कोई चक्कर नहीं, तुम इस सीरीज में बहुत प्यार देता दिल्ली टू अमृतसर। बाकी छेती छेती आप होर सीरीज भी प्लान कर रहे हैं, लाइक लद्दाख सीरीज होगी, तो पंजाब टूर हो गया, बड़ा कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ता करके तुम सबसक्राइब कर लो, जिन्हें जिन्हें सबसक्राइब नहीं किया प्लीज हिट द सबसक्राइब बटन, लाइक जरूर करना है। तुम अजकल लाइक नहीं करते, दिल में वधिया नहीं लगता, कमेंट जरूर करके जाएगा कि लगे ब्लॉग। फिर मैं नेक्स्ट, बाय बाय, टेक केयर।